channel. I hope you all are doing well and happy new year. Finally 2022 is here and I am here with a very exciting video because this is the first ever haul video of 2022. This one is my second haul video and right now whatever I have, they are for me. I have bought all this all by myself. I'm very excited to show all these things to you guys. So let's get started with the video. So the first category is the skincare category where I don't have a lot of products, but the first product is this Innisfree and Guneet Vidhi collection. This is the best seller collection that they have come up with and this is how this one looks. इसमें वही दो प्रोडक्ट्स है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, लाइक दिस सुपर वॉल्केनिक पोर्टले मास्क. दिस वन इज माय फेवरेट. मैं हमेशा यही वाला मास्क अपने चेहरे पे यूज़ करती हूँ आफ्टर यूजिंग माय मेकअप. मतलब जब भी मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, आई जस्ट वांट माय स्किन टू फील गुड. अगर मेरे पोर्स में भी थोड़ा बहुत मेकअप होगा तो आई जस्ट वॉन्ट देम टू बी क्लीन एंड देन आई जस्ट यूज दिस वन. आई हैव द बिगर बॉटल इन माई बाथरूम. But yes, this is how it looks like. This one is choto. I think I can carry this with me whenever I'm traveling. This one is a very generous travel size product. इसमें बहुत ज़्यादा product है क्या? This one have 20 ml of product, तो इसमें बहुत ज़्यादा product है और शायद ये बहुत दिनों तक चल भी जाएगा. And ये बहुत ही अच्छा product है. Volcanic clay actually आपके पोर्स को डिटॉक्स करता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है. एंड व्हेनेवर आई अप्लाई दिस माय स्किन लुक्स सो ग्लोई. आई रियली लाइक द वे माय स्किन लुक्स आफ्टर यूजिंग दिस, सो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट, मैं इसका जो है बड़ा वाला वर्जन खरीदना चाहती थी बट दैट वन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो आई वेंट फॉर दिस वन. इस वाले सेट पर ये वाला भी था तो आई थॉट कि चलो एक बार ट्राई भी कर लेंगे हम लोग. तो ये वाला है ग्रीन टी सीड सीरम. मैंने ये कभी भी ट्राई नहीं किया था पर मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. दिस वन इज अगेन अ नाइस छोटू पैकेजिंग. दिस वन इज लुकिंग सो गुड. दिस वन वॉज 20 ml ऑफ प्रोडक्ट फॉर 350 रुपीज एंड दिस वन इज 30 ml ऑफ प्रोडक्ट फॉर लेट मी सी 850 रुपीज. ओके, सो इट्स नॉट बैड. ग्रीन टी इज गुड इफ यू हैव अ लॉट ऑफ एक्ने और इफ यू हैव अ वेरी ऑयली स्किन. तो ग्रीन टी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो आपके स्किन को अच्छे से नरिश भी करेगा, उसके साथ साथ आपके जो एक्ने और एक्सेस ऑयल वाली इश्यूज भी है उसको भी अच्छे से रिकवर करेगा. अगर ये वाला मुझे सच में पसंद आ गया देन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय द बिगर बॉटल मेरे घर के लिए और एक छोटा वाला भी मैं जरूर खरीदूंगी ताकि जब भी मैं बाहर कहीं घूमने जाऊँ तो मेरे साथ एक रहे. दिस वन इज अवेलेबल ओनली एट नायका, सो आपको सिर्फ ये नायका पे ही अवेलेबल मिलेगा. दिस वन इज फॉर 999 रुपीज़ में, मतलब 1000 रुपीज़ में आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो भी द बेस्ट सेलर वंस. बट मैंने शायद ये वाला 650 का लिया था, तब एक ऑफर चल रहा था तो आई गॉट दिस वन फॉर 650 रुपीज़ विच इज़ अ विन विन सिचुएशन. दोनों ही बेस्ट सेलर मिल गए हैं, वो भी मिनी साइज में और उसके साथ साथ द प्राइस वॉज सो गुड कि मुझे ये तो लेना ही था. अगर ये वाला फिर से ऑफर में आया ना तो फिर ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा आप. द नेक्स्ट प्रोडक्ट्स आर दिस एक्ने पैचेस. दीज आर बाय द ब्रांड अर्बन गबरू एंड अर्बन योग. आई थिंक दे आर फ्रॉम द सेम ब्रांड. द ब्रांड आई थिंक कॉल अर्बन, आई डोंट नो. बट दिस वन इज़ फॉर मैन एंड दिस वन इज़ फॉर वुमेन. दिस आर एक्ने पैचेस, लाइक ये छोटे छोटे बैंडेड्स होते हैं जो आपको अपने पिम्पल्स के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है. एंड इसके बारे में मैं एक रिव्यू ज़रूर दूंगी अपने चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. दिस आर जस्ट फॉर 299 रुपीज़ और इसमें 72 डॉट्स है, मतलब इसमें 72 पैचेस है फॉर योर एक्ने. तो मुझे लगा कि ये वाला सच्ची में बहुत अफोर्डेबल एक ऑप्शन है, तो आई रियली वांटेड टू रिव्यू दिस फॉर यू गाइस. सो लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड फॉर दिस बिकॉज इसका जो रिव्यू है वो जो बहुत जल्दी आने वाला है. द लास्ट प्रोडक्ट इन द स्किन केयर कैटेगरी इज दिस चारकोल पील ऑफ फेस मास्क. मुझे ये वाला प्रोडक्ट सच्ची में बहुत पसंद है. आई हैव यूज्ड आई थिंक 5 or 6 ट्यूब्स ऑफ दिस. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को बहुत अच्छे से रिमूव करने में हेल्प करता है. एंड दिस वन इज़ अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन. ये आपको अमेजोन से भी मिलेगा और पहले नायका पे भी अवेलेबल था. मैं पहले नायका से ही खरीदती थी बट दिस वन आई बॉट फ्रॉम अमेजोन. मुझे ये वाला भी रिव्यू करना था क्योंकि मैं आई हैव सीन क्वाइट अ लॉट ऑफ हॉरिबल रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट और मुझे वो जो रिव्यूज़ है उनको थोड़ा सा गलत प्रूफ करना है बिकॉज मेरे स्किन पे तो वैसा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था जब मैंने ये वाला ट्राई किया था. पर हर किसी ने इतना नेगेटिव इसको पोर्ट्रे किया है दैट आई नीड टू क्लीन द इमेज ऑफ दिस. तो
बहुत जल्दी इसका भी एक रिव्यू आने वाला है. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. मैं बहुत सारे रिव्यूज करने वाली हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग. सिर्फ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना है एंड देन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं इन सारे रिव्यूज को अपलोड करूंगी. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एन एक्सेसरीज. दिस इज बाय द ब्रांड जवेरी पर्ल्स. दिस इज एन इयररिंग सेट. इसमें 9 सेट्स ऑफ इयररिंग्स है. दिस इज हाउ दे लुक. यहाँ पर 9 इयररिंग्स है. 3 सिल्वर, 3 गोल्ड एंड 3 रोज गोल्ड. उसमें से एक मैंने अभी पहना हुआ है. द लास्ट वन मैंने अभी वो पहना हुआ है. ये जो इयररिंग्स है इससे एटलीस्ट आप जब मास्क लग पहनते हो तो आपके कान में दर्द नहीं होता है. तो इसी वजह से आई वेंट फॉर दिस स्मॉल 20 इयररिंग्स. अदरवाइज आई रियली लव द लॉन्गर इयररिंग्स फॉर माई सेल्फ. ये वाले बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सारे ड्रेसेस के साथ भी चले जाएंगे क्योंकि वी हैव सिल्वर, वी हैव रोज गोल्ड, वी हैव गोल्ड अगेन. They are so good. They are very dainty and they look so good. And the quality is amazing as well. ये शायद मैंने एक महीने पहले खरीदा था. In the month of December, I think मैंने ये खरीदा था. और मुझे ये बहुत पसंद आया. और इसका जो कलर है वो भी नहीं जाता है. But try not to wash this. मतलब आप जब face wash करो तब इसको उतार लो. Otherwise, you never know. शायद इसका कलर खराब हो जाए. तो हाँ, दिस वन इज वेरी गुड डील. आई बॉट दिस वन फ्रॉम मिंत्रा एंड द लिंक विल बी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नाउ द फन पार्ट इज द मेकअप पार्ट. द फर्स्ट प्रोडक्ट इज बाय नायका लक्स. ओह माय गॉड, आई हैव नेवर थॉट दैट आई एम गोइंग टू बाय समथिंग फ्रॉम नायका लक्स. मैंने नायका लक्स से जो पहली चीज खरीदी है वो है दिस स्मैश बॉक्स फोटो फिनिश प्राइमर. I am in love with primers because primer लगाने के बाद जो मेकअप आपका उभर के आता है और बहुत देर तक जो लास्ट करता है, ये वाली चीज़ मुझे सच में बहुत पसंद आई है. एंड आई हैव अ वेरी वेरी ऑयली स्किन एंड दैट्स व्हाई आई थॉट दैट आई शुड गिव दिस वन अ शॉट. ये वाला छोटा है. दिस वन इज जस्ट फॉर 990 रुपीज और इसमें सिर्फ 8 ml प्रोडक्ट्स है. बट इट्स ओके, आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई दिस. अगर मुझे पसंद आया देन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय द बिगर वन. मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है. इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू सी फुल फेस ऑफ ऑल दिस न्यू प्रोडक्ट्स देन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. इसके साथ मुझे एक फ्री गिफ्ट मिला था विच इज़ दिस स्मैश बॉक्स विटामिन ग्लो प्राइमर. ये ग्लो प्राइमर है. मैं ग्लो प्राइमर की तरह ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होती हूँ बट दिस वन है विटामिन इन इट. दिस वन इज जस्ट 7 ml. तो मुझे एक फ्री में मिला था इस परचेज के साथ. उसके साथ साथ मुझे और एक चीज़ फ्री में मिली थी, वो है ये रेड मेकअप पाउच. ये बहुत छोटा और बहुत प्यारा सा है. आई थिंक आई कैन कैरी माई मेडिसिन इन इट. सो हाँ, मुझे वाला कलर भी बहुत पसंद आया. इट्स लाइक ब्राइट रेड. यहाँ पे शायद थोड़ा सा पिंक दिख रहा होगा बट नो, दिस वन इज ब्राइट रेड कलर. और मुझे रेड कलर बहुत पसंद है. ये वाला बैग और ये वाला स्मैश बॉक्स प्राइमर के साथ फ्री मिला है. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस हुडा ब्यूटी डेमी मैट लिक्विड लिपस्टिक. दिस वन इज इन द शेड प्रोवोकेटर. द कलर इज वेरी यूनिक. ये एक मॉफ कलर है बट ये बहुत ही कूल टोन्ड मॉफ कलर है. इसमें बहुत ज़्यादा ग्रे अंडरटोन है जो इस लिपस्टिक को बहुत यूनिक बनाता है. आई डोंट हैव एनी लिपस्टिक इन माई कलेक्शन दैट लुक्स लाइक दिस. मैं अभी स्वॉच नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इन सारी प्रोडक्ट्स के साथ एक ट्यूटोरियल ज़रूर शूट करूँगी. तो हाँ, ये वाला दिस इज़ हाउ इट लुक्स. दिस वन इज़ डेमी मैट. तो मतलब ये पूरा मैट नहीं होता, ये थोड़ा बहुत मैट हो जाता है. दिस डेमी मैट लिपस्टिक इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट आई गॉट दिस वन जब नायका पे शायद इसके ऊपर 50% ऑफ मिल रहा था. वैसे तो ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. दिस वन इज़ फॉर 1825 रुपीज़. पता नहीं क्यों हुडा ब्यूटी के सारे लिपस्टिक्स यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही महंगा है. एंड 1000 रुपीज़ के ऊपर लिपस्टिक पे स्पेंड करना, आई एम नॉट एट ऑल रेडी फॉर दैट. द लास्ट लग्जरी मेकअप प्रोडक्ट दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ इज दिस मैक एंड श्रेया जैन फेस्टिव कलेक्शन. ये वाला मैंने इस साल नहीं खरीदा. ये वाला मैंने खरीदा था 2020 में दुर्गा पूजा के वक्त एंड उसी वक्त मैंने ये वाला खरीदा था. मैंने ये वाला अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जा नहीं रहे थे, हम लोग मेकअप लगा नहीं रहे थे, मेरी सारी चीज़ें एक्सपायर भी हो रही थी. तो दिस इज हाउ द एक्चुअल प्रोडक्ट्स लुक्स लाइक. हियर वी हैव अ लिपस्टिक एंड अ फिक्स प्लस मिनी. ये जो लिपस्टिक है ये एक फुल साइज लिपस्टिक है एंड दिस इज इन द कलर रूबी वू. बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं रूबी वू खरीदूँ. पता नहीं मेरे कैमरे पे ही ये इसका कलर थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, अदरवाइज द कलर इज़ सो गुड.
जो लिपस्टिक है वो एक फुल साइज है, पर दिस फिक्स प्लस इज इन अ मिनी। ये ट्रैवल पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। मैं अभी रिसेंटली एक शादी अटेंड करने वाली हूँ, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू कैरी दिस विथ मी, क्योंकि बड़ा वाला लेके जाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू कैरी दिस वन विथ मी। सेट इज जस्ट फॉर 1800 rupees। 1800 में तो आपको सिर्फ मैप का वही मिलेगा। अगर आप ये सेट खरीदोगे देन यू विल गेट दैट फिक्स प्लस एज वेल। तो ये वाला एक बहुत अच्छा डील है। श्रेया को सपोर्ट करो, श्रेया के जितने भी सेट्स आए हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं। आई रियली वॉन्टेड टू बाय द वन जो उसने इस साल में निकाला था। आई थिंक उसमें एक स्ट्रोब क्रीम है और एक काजल है। Now there is another expensive thing that I got, which is this Physicians Formula Butter Bronzer in the shade Bronzer. ये वाला available कभी नहीं रहता था नायका पे, especially the bronzer color. वो वाला कभी available नहीं रहता था। You can go for the darker one or the lighter one, but this one, the original one, कभी available नहीं होता था. But finally I got this one from Myntra, और Myntra में मुझे एक बहुत अच्छा deal मिला था. This one I got just for 680 rupees. और मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन। मेरे पास ज़्यादा ब्रॉन्जर्स है भी नहीं, तो मुझे लगा कि चलो ये बार एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। और क्या सभी लोग इसके बारे में इतना ज़्यादा बात करते थे कि आई वॉज लाइक मुझे देखना है कि इसका इतना हाइप क्यों है, एंड वी आर गोइंग टू सी इट टुगेदर। नाउ आई हैव टू कंसीलर्स। द फर्स्ट वन इज दिस स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर। इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बात किया था। आई गॉट द शेड सैंड सेबल 02। ये वाला बहुत अफोर्डेबल है। आई थिंक 199 rupees का मिलता है या फिर 200 समथिंग का मिलता होगा ये, बट ये वाला सच्ची में बहुत अफोर्डेबल है और शायद बहुत ही हाई कवरेज साइड में होगा। मैंने अभी तक ये वाला ट्राई नहीं किया है। आई वॉज यूजिंग माई एल्फ वन। देखते हैं ये वाला प्रोडक्ट एक्चुअली में कितने अच्छे से काम करता है। द नेक्स्ट कंसीलर्स आई गॉट फ्रॉम दिस इनसाइड कॉस्मेटिक्स। यहाँ से मैंने ये दो पॉट कंसीलर्स खरीदे हैं। द फर्स्ट वन इज दिस वन विद is a concealer color. This is in the color beige. This is how it looks. मैंने सुना है ये बहुत ही high coverage है और इससे आप अपना बेस मेकअप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये जो पॉट्स भी है ना, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब ये गंदी क्वालिटी, मतलब चीप क्वालिटी का नहीं लग रहा है मुझे। एंड दिस वन इज 3.5 gram ऑफ, दिस वन है 3.5 gram ऑफ प्रोडक्ट फॉर 100 rupees। सो दीज आर वेरी अफोर्डेबल, दे आर वेरी चीप। और मैं कभी कलर करेक्ट नहीं करती हूँ, तो दिस टाइम आई गॉट दिस वन। दिस वन इज अ ऑरेंज करेक्ट, ओके। और जो ऑरेंज कलर है ना, मैं इसको देख के डर गई थी थोड़ी देर के लिए। दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस वन लुक्स लाइक टैंजरीन कलर। वैसे भी इसका जो नाम है वो भी है टैंजरीन ऑरेंज। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस वन सपोज टू हेल्प यू टू कंसील ऑल द डार्कनेस अंडर योर आईज, और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन अराउंड योर लिप्स। आई गॉट दिस वन, दे आर जस्ट फॉर 100 rupees। ये बहुत अफोर्डेबल है अगर इसने काम कर लिया ना मेरी स्किन पे, बिकॉज आई हैव वेरी ऑयली स्किन और ऑयली स्किन पे कंसीलर ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई रियली वांटेड टू सी कि ये वाला मेरे स्किन में अच्छे से काम करता है या नहीं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस आई शेडो बेस। दिस इज बाय द ब्रांड एसेंस। ये बहुत सारे लोग, मतलब बहुत पहले ये बहुत सारे यूट्यूबर्स अप्लाई करते थे अपने आँखों पे, एंड देन दे यूज टू अप्लाई देयर आई शेडोज, एंड देयर आई शेडो यूज टू लुक सो गुड। एंड आई हैव नेवर ट्राइड एन आई शेडो बेस एवर बिफोर। मैं सिर्फ कंसीलर से ही काम चला लेती थी, अदरवाइज मैंने कभी ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया है अपनी आँखों पे। बट हाँ, ये वाला एक बहुत ही न्यू प्रोडक्ट है मेरे इंटायर कलेक्शन में। मिंत्रा से मैंने एसेंस के बहुत सारी चीज़ें खरीदी है, उसमें से ये दो मस्काराज भी है। आई गॉट दिस वन, दिस वन आई थिंक एसेंस लैश प्रिंसेस। इसका मतलब नाम एकदम पूरा ढका हुआ है इस वाले लेबल से, विच इज़ वेरी अनोइंग। दिस वन सपोज टू गिव यू अ वेरी फॉल्स लैश सॉर्ट ऑफ इफेक्ट, तो मुझे ये ट्राई करना था। बट उसके साथ साथ आई बॉट दिस वन। दिस वन इज वॉल्यूम स्टाइलिस्ट 18 hour एसेंस मस्काड़ा। मैंने अभी यही वाला मस्काड़ा अपने आँखों पे लगाया हुआ है। यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स। ये एक्चुअली में आपके लैशेस को इतना लेंथी और इतना कर्ली कर देता है दैट यू नो नीड टू अप्लाई अ फॉल्स लैश। और मुझे फॉल्स लैश लगाना वैसे भी पसंद नहीं है, सो आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ मस्काड़ाज इन माई लाइफ। तो हाँ, I am using this one right now. I have never tried this one. तो ज़रूर मैं जब कोई दूसरा वीडियो करूँगी ट्यूटोरियल, तो उसमें मैं ज़रूर ये वाला ट्राई करूँगी और आपको इस वाले के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँगी।
और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये वाला, दिस वन इज अ ब्लश, दिस वन इज बाय द ब्रांड कलर बार और इसका नाम है स्वीट स्कारलेट। ये वाला जो कलर है एक बहुत यूनिक कलर है और मैंने अभी ये एक बार ट्राई किया था अपने चीक्स पे। ये इतना पिगमेंटेड है आपको एक बहुत ही फ्लफी ब्रश से इसको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू दैट क्लाउन काइंड ऑफ अ फेस। मुझे पर्सनली कलर लाइनर सबसे ज़्यादा पसंद है देन ब्लैक लाइनर्स, तो इसी वजह से आई रियली वॉन्टेड टू बाय अ ब्राउन काइंड ऑफ अ कलर, बट दिस ब्लू हेवन ब्राउन आई लाइनर, दिस वन इज वेरी इनएक्सपेंसिव, आई थिंक दिस वन इज जस्ट फॉर ₹55। मैंने ये वाला क्यों खरीदा, क्योंकि ब्लू हेवन एक बहुत अच्छा ब्रांड है, इससे आपको बहुत सारी अफोर्डेबल चीज़ें मिलेंगी इस वाले ब्रांड में। और ये जो कलर है ना, ये थोड़ा सा कैरमल टाइप का कलर है, ऐसा कलर मैंने कभी भी बाहर नहीं देखा है किसी और ब्रांड में। और ये ब्राउन कलर ज़रूर है, बट ये वाला ब्राउन कलर बहुत ही यूनिक है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस इन अ वीडियो। एंड दिस इज हाउ द टिप looks like, and I had to buy a black liner, so I got this blue heaven intense eyeliner pen। मैंने ये वाला लिया क्योंकि ये पेन है, तो इससे आप जब आईलाइनर अप्लाई करोगे तो वो थोड़ा इजी होता है। वन इज 24 आवर स्टेज, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, लाइट वेट एंड वन स्ट्रोक फिनिश। ऐसे ब्लैक लाइनर ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ, पर मुझे फिर भी देखना है कि ये वाला कैसा है। This time I got a black kajal. I don't not need a black kajal, but still I got one for myself, which is this Plum Nature Studio All Day Wear Coal Kajal. So this is how it looks. मैंने अभी तक इसको खोला भी नहीं है। मैं बहुत सारे celebrity inspired makeup look भी करती हूँ, वहाँ पे बहुत सारे celebrities हैं जो लोग kajal लगाना prefer करते हैं, और वैसे looks के लिए भी kajal is a very important thing. So that's why I got this one. Now the last products are the lip products. So first one is this Earth Rhythm Lip Cheek Tint. I am a tint lover. मुझे tints बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मुझे टेंट्स लगाना बहुत पसंद है, स्पेशली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, मुझे सिर्फ टेंट्स ही पसंद आते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट दिस वन। दिस वन इज इन द शेड चेरी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इट लुक्स लाइक स्मॉल नेल पॉलिश कंटेनर। अभी मैं फेस शॉप का जो लिप एंड चिक टेंट है वो नेचुरली अप्लाई करती हूँ, बट आई एम अबाउट टू फिनिश दैट वन अप वेरी सून, तो मुझे लगा मुझे और एक चाहिए, तो मैंने ये वाला ब्रांड प्रेफर किया। चिक टेंट्स इज लाइक द इजिएस्ट वे टू डू योर मेकअप, तो डेफिनेटली आई हैड टू बाई दिस वन। मैंने और एक चीज़ ख़रीदा है विच इज़ कॉल्ड अ लिप एंड चिक टिंट, बट ये लिप एंड चिक टिंट नहीं है, विच इज़ दिस वन, इट्स बाय द ब्रांड शेरी पाउट एंड शाइन लिप टिंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। इट लुक्स लाइक अ पेंसिल एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू ओपन इट। मैंने ये वाला यूज़ किया है, मैं ये वाला लास्ट महीने यूज़ कर रही थी एंड this is how much product you get in this। और ये lip and cheek tint नहीं है, it's like a lip balm for your lips, it's very hydrating, it's very nourishing, otherwise ये जो है एक tint नहीं छोड़ता है, जो भी ये tint थोड़ा बहुत देता है, which is like अगर एक lip balm, एक tinted lip balm होगा तो वो जैसे दिखेगा आपके lips पे, ये सिर्फ वैसे ही दिखता है, otherwise इसमें और कोई difference तो है नहीं। आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस वन, मुझे लगा ये ईजी होगा, मतलब एक बामी कंसिस्टेंसी होगा जो अच्छा लगेगा आपके लिप्स पे, बट नो, आई थिंक आई प्रेफर दिस वन एज अ लिप बाम, नॉट अ लिप टिंट। द लास्ट लिप्स प्रोडक्ट आर द लिप ग्लॉसेस, दिस इज बाय द ब्रांड कलर बार एंड यहाँ से मैंने ये दो लिप ग्लॉसेस लिए हैं। मैं लिप ग्लॉस नहीं लगाती, बट नाउ द लिप ग्लॉस ट्रेंड इज हियर अगेन, तो मैंने इसीलिए इस बार दो कलर लिया है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्लियर एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड रे। दिस इज हाउ क्लियर लुक्स लाइक, दिस वन इज गोइंग टू लुक अमेजिंग विद एनी काइंड ऑफ लिपस्टिक। इसमें बहुत ज़्यादा शिमरी शेड्स है और ये जब आप लिप पे अप्लाई करते हो ना, तो ये एक मतलब ट्रांसपेरेंट सा लुक देगा, साथ साथ ये शाइनी फील भी देता रहेगा। दिस वन इज कॉल्ड रे। रे एक पिंक लिप ग्लॉस है, इसका भी ज़्यादा टिंट नहीं आता है, बट इसका जो शाइन है वो क्लियर से थोड़ा ज़्यादा है और ये लिप्स पे अमेजिंग लगता है। अगर आप सिर्फ लिप ग्लॉस लगाना चाहोगे अपने लिप्स पे ताकि ज़्यादा कलर ना आए बट शाइन करता रहे, देन दिस वन इज अमेजिंग। सो हियर इट इज गाइज, दिस इज द फाइनल वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए वो सारे नायका पे अवेलेबल है और उसके लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट।
एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है देन हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक दैट बेल बटन सो यू विल बी नोटिफाइड व्हेन एवर आई एम गोइंग टू बी अपलोडिंग द न्यू वीडियो. बहुत सारे एक्साइटिंग रिव्यूज आने वाले हैं मेरे चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.